वही। मोनिका जी, किस तरीके से त्यौहार मना रही हैं? ये त्यौहार हमारा पति की लंबी आयु के लिए त्यौहार है, और इसको हम बड़े धूमधाम से अपने पंचवटी परिवार के साथ, पंचवटी सब सखियों के साथ अच्छे से मनाते हैं। पूरा हार श्रृंगार से सब लोग तैयार होते हैं। ये हम सब में बड़ा उत्साह होता है, जनरली लेडीज़ में तो खास करके, कि सबको तैयार होने का बहुत उत्साह है। उसके बाद अब चंद्रमा का इंतजार रहेगा, चंद्रमा को देख के हम लोग व्रत को खोलेंगे और क्या कहते हैं इसको संपूर्ण करेंगे। ठीक ठीक। आज किस तरीके का त्यौहार मना रहे हैं? आज हम करवा चौथ का त्यौहार मना रहे हैं। हर साल की तरह हमने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। सुबह से निर्जला व्रत रहते हैं हम लोग, और शाम को जैसे ही चांद आएगा उन्हें देखकर हम अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगे। क्या महत्व है इस त्यौहार का, क्या मानती हैं? हम लोग ये मानते हैं कि शुरू से ही इसमें पति की लंबी आयु के लिए कामना की जाती है। जैसे कि गौरा माता के यहाँ गौरा माता ने की, वैसे हमने भी आगे की। जैसे हमारी घर में चलन परंपरा एक चलता आ रहा है भारत में, वैसे ही हम करते हुए। क्या बीच में ऐसा लगता है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, किस तरीके से काटते हैं? हमें ऐसा है कि हमें भूख प्यास तो लगती है, लेकिन हमें इतना एक्साइटमेंट होता है इस त्यौहार का हर साल, कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता ये दिन कैसे बीत जाता है। ठीक।